हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। यहां पे एक साल में अगर आप देखोगे तो 5% गिरा है, लेकिन 6 मंथ के अंदर 31% से ज़्यादा स्टॉक टूट चुका है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे कोविड टाइम पर स्टॉक बेसिकली 90 के करीब भी पहुंच गया था, 90 से नीचे पहुंच गया था और उसके बाद इस स्टॉक में बहुत अच्छी रैली देखने को मिला और ये स्टॉक है जो बेसिकली 500 भी क्रॉस करता हुआ नजर आए, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में वापस गिरावट देखने को मिला। उसके बाद अभी भी इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी के टाइम पे आपको पता है कि इलेक्शन है और इलेक्शन है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुगर एक्सपोर्ट है जो यहाँ पे बैन कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट बाहर के देशों में नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे इनके शेयर प्राइस पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट, अगर शुगर एक्सपोर्ट बैन से हटाया जाएगा तो यहाँ पे इसके प्राइस में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगा फिर से वापस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट है जो बेसिकली यहाँ पे बैन क्यों की है, शुगर एक्सपोर्ट बैन करती हुई क्यों नजर आई है, तो यहाँ पे मेन रीजन होता है कि कहीं किसी भी खदान में शुगर की कमी ना पड़े, यहाँ पे मार्केट में शुगर की कमी नहीं पड़े, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर शुगर की कमी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि शुगर की प्राइस मतलब कि बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगा और जनता है जो यहाँ पे लीडर से एक तरह से देखें तो किसी भी पार्टी से खफा हो सकती है कि जिनकी सरकार है एक तरह से चीनी की प्राइस है जो बहुत तेजी से बढ़ा दी सरकार, तो यहाँ पे उनको एक तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम एक तरह से रिस्क नजर आता है। इसकी वजह से यहाँ पे इस रिस्क को कम करने के लिए एक्सपोर्ट को ही बैन कर रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पे धामपुर शुगर मिल्स के अंदर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे सारी जितनी भी शुगर्स की कंपनियां हैं सभी कंपनियों के अंदर देखेगा तो गिरावट देखने को मिला है, लेकिन ये जैसे इलेक्शन खत्म होता है तो इलेक्शन के बाद इस स्टॉक में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली ये कंपनी है जो धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड है, ये कंपनी क्या करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी यहाँ पे शुगर तो बनाती है, जो यहाँ पे 9 डिकेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, केमिकल से रिलेटेड भी काम करती हुई नजर आती है, जो इथाइल की बात करें तो इथाइल से इथेनॉल की बात कर लें, स्पेशलिटी केमिकल की बात कर लें तो ये सब सारी चीज़ों से केमिकल भी निकलता है इससे। यहाँ पे गन्ना होता है ना, गन्ने के अंदर से ये सारी चीज़ें एक तरह से बनाया जाता है, यहाँ पे चीनी तो बनता ही बनता है, इसके अलावा ये सब सारी केमिकल्स भी बनते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पावर जनरेशन का भी काम करती है, 121 मेगावाट पावर जनरेट भी करती है ये कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि ये कंपनी शुगर, केमिकल्स, पावर, ये तीनों क्षेत्र में काम करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे धामपुर शुगर मिल्स की अगर अभी के टाइम पे देखोगे तो स्टॉक का जो प्राइस नजर आ रहा है वो एक तरह से लोअर वैल्यूएशन पे है। अगर हम देखें तो ये स्टॉक जो 500 रुपया पे गया हुआ था, जो स्टॉक अभी आपको 200 रुपया में मिल रहा है, तो यहाँ पे छोटी स्टॉक है लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप की कंपनी है, 1380 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है, लेकिन स्टॉक का पी देखें तो 9.6 का, इंडस्ट्री का पी 11 पे है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इन पूरी इंडस्ट्री का पी 11 पे ही दिखा रहा है, क्योंकि जो अदर स्टॉक है वो भी गिरा है, इसकी वजह से यहां पे 11 पे दिखा रहा है, लेकिन इसकी जो पी है 9.6 पे है। इनकी बुक वैल्यू ही 159 रुपया है और कंपनी के यहाँ पे अगर आप देखोगे ईपीएस 21 रुपया 50 पैसा का जनरेट कर रही है। कंपनी के पास जो कर्ज है 0.36% का है और यहाँ पे डेप्ट है जो 384 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो इनकी जो परसेंटेज वाइज निकलता है तो इस तरीके से 0.36% का यहाँ पे डेप्ट देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे रिजर्व कंपनी के पास 988 करोड़ का देखने को मिल रहा है दोस्तों, और कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है, 2.41% का यहाँ पे डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। लेकिन स्टॉक है जो 52 वीक के लो पे आ रखा है अभी के टाइम पे, और ये स्टॉक की जो अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर पेट्रोस्की स्कोर जो आपको देखने को मिल रहा है, आउट ऑफ 10 में 8 रेटिंग दिया गया, जो एक बहुत अच्छा रेटिंग है, और एज पर द ग्राहम नंबर यहाँ पे 277 रुपये का प्राइस होनी चाहिए, लेकिन इससे नीचे ये प्राइस इसका ट्रेड करता हुआ अभी के टाइम पे नजर आ रहा है। दोस्तों, RSI 20 में आपको देखने को मिल रहा है और इसके इतनी छोटी कंपनी के अंदर FIS 6.21% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, DIS 0.45% की होल्डिंग लिए हुए हैं, तो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पे अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो FIS ने यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा
कम करते हुए नजर आए हैं और यहाँ पे डीआईएस भी अपनी होल्डिंग कम करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ जो होल्डिंग बढ़ा है किनका, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जो प्रमोटर है 49% की होल्डिंग कंटिन्यू बरकरार रखे हुए हैं अभी तक। तो दोस्तों यहाँ पे अभी के टाइम पे अगर हम बात करें धामपुर शुगर मिल्स की क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर जो सेल्स है जो कंपनी का, आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे 2022 में अगर हम देखें तो 544 करोड़ का सेल्स था, जो दिसंबर 2023 में घट के 364 करोड़ का हो गया, और यहाँ पे 46 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 32 करोड़ पे आ गया। ये मार्जिन 16% से 15% पे आ गया, तो मार्जिन भी गिरा प्लस यहाँ पे सेल्स भी गिरा और यहाँ पे प्रॉफिट भी गिरा है। Q2 क्वार्टर में भी सेम चीजें देखने को मिला कि मार्जिन भी गिरा, सेल्स भी गिरा और प्रॉफिट भी गिरता हुआ नजर आया दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी कंटिन्यू एक तरह से दो क्वार्टर से इनकी जो सेल्स प्रॉफिट मार्जिन ये सारी चीजें गिरता हुआ नजर आ रहा है, और आई होप कि यहाँ पे Q4 क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं होंगे इस कंपनी के। तो यहाँ पे Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद इस स्टॉक पे थोड़ा सा एक ट्रस्ट बना सकते हैं, यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होगा। मैं आपकी जगह पे होता तो इस स्टॉक के अंदर एंट्री करके चलता Q4 रिजल्ट्स के बाद, अभी के टाइम पे नहीं। तो यानी लोअर लेवल पे मैं बाइंग करता और हायर लेवल पे सेल करता। दोस्तों यहाँ पे मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का बाय एंड सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो देते हैं। और यहाँ पे वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप ग्रोथ देखोगे तो कंपनी ग्रोथ तो किया है काफ़ी अच्छा, जो आप देख सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ की है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम से ग्रोथ है जो रुका हुआ है, एक तरह से ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर पा रही है कंपनी। ग्रो करती है लेकिन फिर वापस डाउन हो जाती है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हुआ है कंपनी का, लेकिन पहले के 2012, 13, 14 के मुकाबले हम देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करती हुई नजर आई है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है कंपनी का काफ़ी ठीक ठाक है, जिस लेवल की कंपनी उसके अकॉर्डिंग 66 करोड़ का इक्विटी कैपिटल देखने को मिल रहा है कंपनी का, और 988 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व्स है। कंपनी रिसेंटली यहाँ पे डेप्ट भी कम करती हुई नजर आई, 744 करोड़ से डेप्ट कम करके 384 करोड़ कर दिए है, और कंपनी का CWIP भी वर्क यहाँ पे चलता हुआ नजर आता है। तो कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लें, टोटल एसेट्स की बात करें, ये सारी चीजें कंपनी का इंक्रीज होता हुआ नजर आता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ने यहाँ पे अभी के टाइम पे तो गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर 200 से नीचे जाता है तो ये स्टॉक 150 तक भी पहुँच सकता है, इतना आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन 200 से मुझे नहीं लगता कि 200 से नीचे ये स्टॉक जाएगा, यहाँ पे आप इस चीज़ को फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।